चीन में फिर से कोरोना वायरस संक्रमण का दौर शुरू हो चुका है। चीन के हुबेई में 39 केस मिलने के बाद हड़कंप मचा। शिजियाजुआंग में 19 केस। दूसरी लहर के बाद अब यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और यात्रा से पहले नेगेटिव रिपोर्ट कोविड की दिखानी होगी। चीन में फिर से कोरोना अटैक। बीजिंग से सटे हुबेई प्रांत में हड़कंप। चीन की राजधानी बीजिंग से सटे हुबेई प्रांत में कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद दहशत फैल गई है। हुबेई प्रांत में अब तक कोरोना के 39 मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकतर मामले बगैर किसी लक्षण के हैं। हुबेई की राजधानी शिजियाजुआंग में अकेले 19 पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। हुबेई प्रांत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के संकेत मिलने के बाद चीनी अधिकारियों ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। यात्रियों को सफर से पहले 72 घंटों के भीतर कराए गए कोविड-19 टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। बड़ी खबर यह कि शी जिनपिंग ने WHO की जांच टीम को चीन में एंट्री नहीं दी। WHO की जांच टीम के सदस्य अपने अपने देश से रवाना हुए थे। चीन को वुहान वायरस पर पोल खुलने का डर है। चीन पर वुहान वायरस की जानकारी छिपाने का आरोप और अब तो टीम को भी एंट्री नहीं दी चीन ने। चीन ने WHO की जांच टीम को नहीं दी एंट्री। WHO प्रमुख ने जताई निराशा। चीन को वुहान वायरस पर पोल खोलने का बड़ा डर सता रहा है और इसलिए वो बचने का हर हथकंडा अपना रहा है। चीन ने कोरोना ओरिजिन की जांच करने वाली WHO की एक्सपर्ट टीम को वुहान में एंट्री देने से मना कर दिया। कोरोना ओरिजिन की जांच में सहयोग नहीं करने पर WHO ने चीन पर नाराजगी जताई है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनेहम गेब्रेसियस ने इसे बहुत ही निराशाजनक कहा है। अगस्त 2020 में WHO का डेलीगेशन 3 हफ्ते तक बीजिंग की खाक छानता रहा, लेकिन तब भी चीन ने उसे वुहान नहीं जाने दिया। और अब अगली ब्रेकिंग न्यूज ब्राजील से है। यहां पर भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। संख्या बढ़ती जा रही है। अमेजन की राजधानी मनॉस कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन चुकी है। मनॉस में 180 दिनों के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है। कोरोना संक्रमित मामले में ब्राजील पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अमेजन की राजधानी मनॉस अब कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरी है। यहाँ लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 3,400 से ज्यादा मौत हो चुकी है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बेकाबू होते हालात को देखते हुए यहाँ 180 दिनों के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। पिछले साल कोरोना की वजह से मनॉस में बड़ी संख्या में मौत हुई थी। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि कब्रिस्तान में लोगों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी, लिहाजा लोगों को सामूहिक दफनाया गया था। अब नए साल में मनॉस में हालात भयावह होते जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने यहाँ इमरजेंसी का सख्त कदम उठाया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।